यहाँ पर पता है कि आते सिर्फ वोट के लिए आते, पता है कि यहाँ पर कुछ करा के नहीं देते, ये पापा हमारे इधर के लिए चलो। वोट के लेना है, चले जाना है, बस अब भोगते रहो, कुछ भी करते। कोई नहीं आता, कोई नहीं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, उनका मतलब रहता आते हैं, और हमारा जब मतलब रहता, हमारी जरूरत रहती तो पूरा करने कोई नहीं आता। नमस्कार, समस्या ऑन द स्पॉट इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। आज हम आए हैं प्रभाग क्रमांक 12 में, जहां पर सुरेंद्रनगर एक ऐसा इलाका है जहां पर आदिवासी समाज के बहुसंख्यक लोग रहते हैं। यहां पे क्या सुविधा आदिवासी लोगों को दी गई है? आदिवासी समाज हमेशा ही वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, उन्हें उनसे वोट बैंक ली जाती है, लेकिन क्या उनके वोट के बदले उन्हें सुविधा दी जा रही है? सुरेंद्रनगर में क्या उन्हें सुविधा मिल रही है? क्या सुविधा में आदिवासी समाज जी रहे, जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या जीवन, कैसा जीवन जो है आदिवासी समाज के लोग जी रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हमने हमारा प्रोग्राम शुरू किया है, तो पहले ही आपको दिखा दें कि गटर की समस्या हमें ऑन द स्पॉट में पहले दिखाई दी है। हालांकि आप अभी पीछे देख सकते हैं चित्र में, कोई भी व्यक्ति हमारे पीछे नहीं है, हम सीधा यहाँ पर डायरेक्ट आए और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की समस्या क्या है जानने की। तो आप देखिए कि एक हिल एरिया है जहाँ पे लोगों को जाने के लिए दिक्कत तो ऑब्वियसली होगी, और रास्ते की हालत देख लीजिए क्या है, और इसी रास्ते से रोज़ाना जो है आदि समाज के लोग जाते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और साथ ही बाजू में जब हमने लोगों से बात की थी तो पता चला कि ये जो है शौचालय है, शौचालय नगर सेवक ने बना दिया था 8 साल पहले, अब उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो 70 डिग्री टिल्ट हो गया है, अब कभी भी ये जो है ये शौचालय है गिर सकता है। यहाँ से देखेंगे तो आपको इसका पूरा नज़ारा दिखाई देगा कि किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। कई जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो डर डर के इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर जो है आदिवासी समाज के लोगों की हमें दिखी, अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। और अंदर चलते हैं और आदि समाज के जो बस्ती है वहाँ पे क्या परेशानी है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, हालांकि गली का एरिया है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ पाइपलाइन या फिर गटर लाइन के लिए खोद कर रखा गया है, लेकिन इसको फिर वापस जो है प्लास्टिक नहीं की गई है। कुछ नागरिक है, क्या नाम है सर आपका? राकेश विके। ये क्यों खोद के रखा? तो संडर्स का डर लग डाले यहाँ डाले, लेकिन इसको बना के नहीं दिए, ऐसा ही गिर गया। कब से अभी एक साल हो गया। बना के दिए तो आपका नाम? वीना विके। ये कितने साल हो गए? 1.5 साल। इसमें क्या परेशानी होती है? मतलब ये रोड है, इसमें पाइप डाला हुआ है, जैसा का वैसा रखे, बच्चे लोग गिरते, गाड़ी गिरते, बच्चे लोग जाते तो फिर क्या कर सकते हम लोग? खाल ऊंचे पूरा भर जाता है, देखो ये पूरा खोखला हो गया, ये देखो पानी बहता है, यहाँ से गाड़ी भी गिरते है, बच्चे को लगता है, देखो वो जाम भी हो गया ना, उसका वो फूट भी गया। हाँ, तो फिर कंप्लेन करते आप? कंप्लेन करते तो आते नहीं ना। किसको कंप्लेन करते? किसको? हरीश भाव को, नगर सेवक को करते। हाँ, तो नगर सेवक काम कर रहे हैं ना यहाँ पे? नहीं कर रहे, नहीं करते, नहीं करते, वो उधर करते तो इधर कदा छोड़ दिया, वो जिसने बना के दिए वो उसी को बोलो बोलते। अच्छा, और कितने बार फोटो निकल गए? यही परेशानी है, रास्ते की परेशानी और क्या है, बस्ती में क्या बस संडस खराब हो गया, चम्बर खराब हो गया, सब परेशानी है। कोई ऐसा ये पूरा मलमा ना देखो, ये पूरा मलमा गडर का ही है। हाँ, पूरा गडर, ये संडा पूरा बात सब जाम हो गया, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो सेवक नहीं आते? नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, काम नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते, आते हो बोलते निकल जाते, आते हो बोलते। वोट के लिए आते। वोट इलेक्शन में क्या बोल के आए थे यहाँ पे? जब इलेक्शन के लिए आए होंगे तो वोट के लिए तो क्या बोले? क्या कर देंगे? ये आश्वासन दिया था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या रोड बना के देंगे, तो संडस बना के देंगे, तो हम ऐसा बोलते और हाँ बोले, हम लोग उनको बोलते समझ देते, चले जाते हैं। हाँ, ये परेशानी है, और कुछ भी फिर बाद में आते ही नहीं। हाँ, वो बोलते वहाँ पे जाओ। परेशानी है लोगों की, और जाके कुछ देखते हैं बस्ती में क्या चल रहा है। तो ये रास्ता है, आदिवासी समाज है, प्रभाग क्रमांक 22 है।
और हमारा गटर लाइन बराबर क्लियर कर दो, फिर हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस संडास और गटर लाइन हाँ कर दो बस, हाँ, बस बस हम ये रोड ये संडास पूरा पोक लाओगे कोई दिन आग में गिर जाएगा, बच्चे छोटे छोटे जाते हैं। आप खुद क्यों नहीं बना लेते, मतलब ये उनके बदौलत क्यों रहते हो? तो उनका याद का है ना, उन्हीं लोग बना के दिए, सबको बना के देते, ये वाला लाइन में बना के ही नहीं देते, ये सरकार हाँ सरकारी हम लोग नहीं बनाए, सरकारी है। दिलीप चौधरी बनाया था पहले, हाँ बहुत सालों क्या कौन बना के दिया? पहले दिलीप चौधरी ये बना दिया, पहले वो बना के दिया था तो वो टूट गया, ये दूसरा बना के दिया। आदिवासी समाज से हो आप? हाँ माध्यम। क्या ये आदिवासी समाज को सिर्फ सिर्फ वोट लेने के लिए काम करते नहीं, काम नहीं करे तुम्हारे लिए? करे नहीं करके तो बेटा आप क्या करना, कुछ नहीं करते, सिर्फ वोट लेते तुमसे? हाँ वोट लेते, वोट हो ना उनको, हम कुछ नहीं, वोट वोट देने के बाद में सब अपने अपने निकल जाते हैं, कोई नहीं पूछते। क्या बोलते वोट के समय, क्या बोलते? बोले हम तुम्हारा रोड बना देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, तुम्हारा भविष्य बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। अभी की अभी जब आएंगे तो क्या बोलेंगे? अभी हमको देना भी नहीं है ना लेना भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं है लेना भी नहीं है। आदिवासी समाज के लोग हैं और ये परेशानी है रास्ते की। आप देखिए स्मार्ट शहर है, नागपुर स्मार्ट शहर है, लेकिन आदिवासी समाज का एरिया है। और मैंने जिस तरह से पहले कहा कि ये वोट बैंक के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मैंने जो कहा वो कोई गलत नहीं है। इनके रास्ते की सुविधा देखिए, अब जैसे भी एरिया हो उसमें गटर लाइन तो आपको देनी पड़ेगी। चले गटर लाइन आप नहीं दे सकते, कम से कम गटर लाइन के ढक्कन जो है उसको तो भी दे दीजिए, नहीं दे पा रहे हैं। चार नगर सेवक है, दो नगर सेवक कांग्रेस से आते हैं, दो नगर सेवक भाजपा से आते हैं। मायाता इनवते जो महापौर रही है, राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला है, वो इस एरिया से आती है और वन साइड वोट लेकर जीत कर जाती है। और यहाँ पे उनके ही विभाग उनके ही प्रभाग में जो है आदिवासी समाज के लोग किस तरह से जी रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या परेशानी क्या है? उनको भी गटर की परेशानी है, 12 महीना ये बहता, अभी 3 दिन से बंद है क्योंकि उसको आके साफ करके गए हैं। हाँ। पूरी लैटरिंग देखो पूरा गली से जा रही, इस गली को भी बनाने बोल रहे पर कुछ बना के नहीं दे रहे। रोड भी हमारा कितने दिन से खराब है, और बोलो तो कारपोरेटर ये बोलते जिसने वो काम कराया उससे कराओ। कौन नगर कौन कारपोरेटर है? अब आप देख लो नाम लेके क्या करेंगे। गौलवंश जी सब चार जन है, चारों हाँ चारों ना, फिर डर क्यों रहे बोलने के लिए? चारों नगर सेवक ना आने के बाद ये ढक्कन नहीं मिल रहा हमको, तो ये चार नगर सेवक दो नगर सेवक भाजपा के हैं, दो नगर सेवक कांग्रेस के हैं, और ये जो है मिलीजुली नगर सेवकों की सरकार आप कह सकते हैं प्रभाग में, और ये विकास है आदिवासी समाज के लोगों का। चलते हैं जनरली लोगों से बात करते करते चलते हैं, आदिवासी सब लोगों से बात कर रहे हैं तो क्या परेशानी है ये भी देखने की कोशिश करते हैं। क्या परेशानी है? हमारी यही परेशानी है कि 10 महीने हो गए, हमारे विधवा लोग हैं हम लोग, तो 10 महीने से अभी तक का पैसे हमारे आरएस में निराधार का योजना के पैसा नहीं मिला। हाँ निराधार नहीं मिला ना? नहीं नहीं आरएस नहीं, सबके आरएस हमारे नहीं आ रहे अभी तक का। तो ये नगर सेवक से बात करते हैं कि भैया दे दीजिए, निकाल के दे दीजिए, तो नगर सेवक को बताते, वो नगर सेवक तो हाँ बोलते और चुपचाप रह जाते। काम करते नहीं करते नगर सेवक तुम्हारे? हमारे तो अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ, देख रहे ना आप तो देख रहे हो ना यहाँ क्या है, हमारे बस्ती में कुछ भी नहीं है। कौन सी समाज से हो? हम लोग आदिवासी हैं। आदिवासी समाज है तो हाँ। फिर ये सिर्फ आपको वोट लेके वोट लेने के लिए आते सिर्फ? हाँ वोट लेने ही आते और कुछ नहीं। अरे आते वो ऐसा बोलते बाबा करके देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आए तो बस दे, कोई नहीं आया, कोई नहीं। आप ही देख लो, ये रोड देख लो, लड़ाई वाले नगर से कैसा है, आते साल में एक बार काम करते आधा गटर साफ करते गटर वाले, तो मलमा हमको उठाना पड़ता है, खुद सफा करते हम, खुद उतार के हम हाथ से मलमा लेके खुद बिक के आते गदन पे। अब बताओ क्या हाल चाल है, और नगर सेवक को फोन करो तो कल आते हैं परसों सिपर। नगर सेवक कौन है? कोई होगा, हम नाम नहीं बताते, हमको कोई नगर सेवक से नाम मतलब नहीं करते, हमको सभी नगर सेवक बराबर है। बात क्या है, सफाई पहले होना, दूसरा बात गटर बेहतर रहता है। नहीं कर रहे नगर सेवक काम आपके एरिया में? नहीं नहीं कर रहे ना, आप नाम नहीं बताएंगे लेकिन नहीं कर रहे ना। मैं बता देता हूं कौन कौन नगर सेवक है। गिरीश गौलवंशी है, अजी विक्रम गौलवंशी है, मायाती इनवते है ना, ये काम नहीं कर रहे, दौड़े मैडम है जी, बराबर नहीं है, ये लोग नहीं काम कर रहे ना। सुनिए हम गटर खुद खाली करते, राज मारते खुद ही, मलमा खुद ही बेच के आते हम, अब ये वो तो सिपर वाला था आता झगड़ा करता है, बोले हमारा कपड़े क्यों डालते तुम नगर सेवक, वो ये बताओ कौन सा कारण से कि ये कारण है, उनका झगड़ा करने का कारण है क्या? नहीं। फिर हमको खुद मलमा खुद बेच के आना पड़ता है, ये कौन सा कायदा है?
आप ही वोट दे रहे ना, इसके बाद वोट नहीं देना। कायदा क्या है इसकी, वही बताओ कायदा बताओ। आपको किसको बोलेंगे, नगर सेवक बोलो, नगर सेवक क्या बोलते फिर? हम भेजते सिपर आता बोलता मेरे काम नहीं है, आप वहाँ जाओ उससे बात करके आओ जब काम करेंगे। अब बताओ किसको क्या बोलेंगे भैया जी, पूरे जंगल के ना समझता, नहीं खाना नहीं पीना नहीं कुछ भी नहीं समझता। इतने भी तो बुद्धू लोग नहीं है हम लोग, समझता है ना सब, समझता है कहीं नहीं समझता कि कौन क्या काम करता, क्या काम करते, किसके बारे में करते। होटल लेना है चले जाना है बस, आप भोगते रहो कुछ भी करते। बात की इसको वोट दोगे? अब आप किसी को नहीं देंगे, अपने मन नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो ये परेशानी है लोगों की, आदिवासी समाज के लोग हैं और ये परेशानी है। आगे चलते हैं और क्या परेशानी है ये भी देखते हैं। अभी कुछ लोगों से बात हुई है और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि समस्या उनको क्या लगती है, क्या समस्या है आपकी बस्ती की? हमारी समस्या ये नाला 10 साल हो गए, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो रहा है। हम बता बता के थक गए ये बात को कि ये यहाँ पे हमारा बहुत गंदगी रही है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये बता बता के हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, ये बरसात में बोलो या हमको ये इतने गंदगी से झेलना पड़ता है। इधर तो इधर उस साइड में भी वैसा ही है, बरसात में इतने लंबे लंबे सांप निकलते, हम बंगले के काम पे जाते, घर पे कोई नहीं, बच्चे ही रहते। यहाँ पे गटर लाइन नहीं था पहले, लेकिन ये गटर लाइन भी मिला चुके तो हम लोग को बहुत दिक्कत है, हमको गंदगी सहना पड़ता है, पूरा बास आता है यहाँ पे। हम बोल के थक गए, कोई आके यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो रहा। नगर सेवक आते काम करते? कोई नहीं आता, कोई नहीं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, उनका मतलब रहता आते हैं, और हमारा जब मतलब रहता, हमारी जरूरत रहती तो पूरा करने कोई नहीं आता। मैंने तो सुना है यहाँ पे पैसे से बांटते इलेक्शन के समय, कोई पैसे वैसे कोई कुछ नहीं बांटता है, सिर्फ ये वफा उड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पढ़े लिखे कोई है नहीं, किसी को समझता नहीं है। इसका फायदा हमारे पीछे हमारा मजाक उड़ाते कि ये गोल्ड लोगों को पैसे में यानी खरीद लो तो ये बिक जाते, लेकिन सुविधा के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे। पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलता, ना ही राशन भी। राशन के टाइम पे 2 साल का लॉकडाउन था, एक बार में घर चलता क्या? नहीं चलता ना एक बार में घर, तो ये एक ही बार राशन सिर्फ दिखावे के लिए। और अभी भी चुनाव के लिए खड़े, अभी टाइम आ रहा है करके अभी बाकियों के तरफ से काम चालू है, लेकिन हमारे गोंड मूल्य में आके कोई नहीं देखता। नगर सेवक कौन कौन है यहाँ पे? हरीश भाव है, माया इनत है, विकास ठाकरे, और बती नहीं, विकास ठाकरे नगर सेवक नहीं हुआ, कमलेश चौधरी, कमलेश चौधरी है। विक्रम गोलवंशी, चार नगर सेवक है, आते बस्ती में आते काम? कभी नहीं, एक भी बार नहीं अभी तक नहीं आए। हाँ, जोड़ जोड़ के बोलते कि हमको लाना। अरे ठीक है, हम जनता है, जनता तो आपको लाती है, लेकिन जनता के लिए कर क्या रहे हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए स्कूल नहीं है। आज 2 साल से हमारे बच्चे घर में, बच्चे का पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो रहा। हम आके पूछ रहे नहीं नगर सेवक कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आप कैसी परिस्थिति आपकी लॉकडाउन में चल रही है, कुछ भी नहीं। उनके घर तक के भी जाओ तो कोई रिस्पांस मिलता ही नहीं उनके तरफ से, आके बोल के परेशान हो गए। कितने बार जाएंगे, आके देखता नहीं कि इनके आते भी है तो हाँ आएंगे करके देंगे, हाँ आएंगे, बस यही बात चालू है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आज 10 साल हो गया ये नाले का समस्या, हमने कितने बार बोले कि ये नाला हमको पैक चाहिए, पैक होगा, वहाँ पे गंदगी भी नहीं होगा, ना ही कचरा, उल्टा उन्होंने और गटर लाइन वहाँ पे मिला दी। गटर लाइन नहीं, यानी हमारा बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। अभी आदिवासी लोगों के लिए सिर्फ वोट लेते हैं, काम नहीं करते। वोट उनका मतलब रहता तो वो हाथे हाथ पर जोड़ने के लिए, उनका वोट निकल गया तो कोई शक्ल दिखाने नहीं आते यहाँ पे। मैंने ये भी सुना है कि इलेक्शन के दौरान फिर लोगों को डराया जाता है वोट गिराया, ऐसा कुछ? देखो बात ये है कि हमारे वाले पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, उन पर दबाव गिरता है। और इन हमारे वाले ऐसे है कि हमारे वालों में इतना समझ ही नहीं है कि भाई कहाँ देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लेकिन इस बार अगर ये काम नहीं हुआ, हमारे वोट करिस हो जाएंगे तो हमको परवाह नहीं, तो परवाह नहीं, पर लेकिन इस बार वोट हमको देंगे ही नहीं। हमारे समाज की माया इनवत जो महापौर भी रही है, बिल्कुल ही बाप रे, उन्होंने तो कभी एक बार आके झाक के नहीं देखे। हम लॉकडाउन के टाइम पे गए थे तो क्या बोले हमको, 50 रुपए तो वो तो छोड़ो, ये भीख मांगने के लिए आए, तुमने हमारे लिए क्या किया, ये सब बातें हुई वहाँ पे। वोट दिए थे उनको क्यों नहीं? वोट तो यहीं से आ रही है ना वो भी। अरे हमने नहीं दिए होंगे, किसी और ने दिए होंगे, बस्ती में से कोई ना कोई वोट तो दिए होंगे, वोट तो गए होंगे ना। 4,000 लोग रहे थे इतने ही लाइन में, 50 रुपए दे के भेजे थे घर पे। हाँ। क्या हुआ था? कुछ नहीं, गए थे 4-5 भाई लोग, तब बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब थी। हमारे काठ की है ना वो, उनको तो पहले खड़ा होना चाहिए आदिवासी उनके लिए, फिर क्या मतलब का, जब आप जब काठ के हो तब आप खड़े नहीं हो रहे तो बाकी के नगर सेवक क्या करेंगे?
जब आप हमारे कास्ट के रह के जब आप हमारे लिए खड़े नहीं हो रहे तो बाकी उनको तो बोलने का सवाल ही नहीं होता। क्या किया था उन्होंने? 50 रुपए दे के गए। हाँ बस चले जाओ, बोले आ गए हम घर। तुम्हारा ठेका है क्या? बोले हमारे पास तुमने हमको दिए क्या? ये सब बातें उन्होंने हमको सुनाई कि तुम लोग देते क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारे बाप दादा ने दे के रखे क्या हमारे पास, जो तुम हमारे पास आए तुम्हारा क्या मदद करेंगे, ये सब बातें उन्होंने हमसे बोले। तो मतलब नगर से काम नहीं कर रहे यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, कुछ भी काम नहीं है। आपके नजर के सामने दिख रहा है ना ये कितना गंदगी रही है? अभी तो छोड़ो, लेकिन अभी दुपका लाएंगे ना, मच्छर तो भरपूर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बरसात में इतने लंबे लंबे सांप से भी निकलते हैं यहाँ से। हम 24 घंटे बच्चन के पास रहेंगे क्या? जब 24 घंटे घर में रहेंगे तो बच्चन को खिलाएंगे क्या? जब कष्ट करने बाहर जाएंगे नहीं तो बच्चन को कौन देखेगा? ये बोल बोल के हम थक गए। उस तरफ देखो आप, पूरे उधर जंगल एरिया है, उधर में उधर से पूरा सांप निकल के इधर आते। खुला है, मेरा 4 साल का लड़का है, 2 बार गिर चुका है नाले में, काम ज्यादा हो गया तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा बच्चा वापस आएगा क्या? ये ऐसे घटनाएं होते हैं। तो ये आदिवासी समाज के लोग नागपुर में रह रहे हैं, मतलब स्मार्ट सिटी है हम नागपुर कहते हैं। कैमरामैन अगर पैन कर सकते तो मैं कोशिश करूंगा कि दिखाने की क्या क्या परिस्थिति में रह रहे हैं। गरीब परिस्थिति है कई सालों से, और ये जो बस्ती है बाकायदा नगर सेवकों के द्वारा बसाई गई बस्ती है, उन्होंने यहाँ पर बैठाया है इनको, बाकायदा वोट के समय इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब सुविधा देने की बात होती है तो सुविधा आपके सामने ऑन कैमरा दिखाई देगा कि ये सुविधा है। और ये मैं तो पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, और इनको कहा गया था 10 साल पहले कि अगर नगर सेवक चुन के आते हैं तो यहाँ पे नाला बन जाएगा, लेकिन 10 साल होने के बावजूद यहाँ पे नाला नहीं बना, ना ही लोगों के लिए गटर लाइन बनी है, ना ही लोगों को जो बेसिक सुविधा चाहिए वो सुविधा यहाँ पे नहीं दी जा रही है। तो ये है नागपुर के आदिवासी समाज के लोग जो स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, प्रभा क्रमांक 12 में रह रहे हैं, उनकी परिस्थिति दिखाने की ये कोशिश थी। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र TV24 नागपुर।